उस अयोध्या का क्या वर्णन करना, जितना वर्णन किया जाए कम है। देखिए भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जीवन में कहीं ले जाइए ना ले जाइए, लेकिन एक बार अयोध्या धाम अवश्य लेकर के जाइए। भगवान स्वयं कहते हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ कै वासे, मुझे यहाँ के लोग अत्यंत प्रिय हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम प्रतापगढ़ वाले हैं तो भगवान हमसे प्रेम नहीं करते, सोच रहे होंगे ना, ईमानदारी से बताइए, सभी सोच रहे होंगे। सीधी सी बात है, सभी सबके मन में ये विचार आएगा कि क्या भगवान सिर्फ अयोध्या वालों से प्रेम करते हैं। तो अब सुनिए, अयोध्या का वासी है कौन? अयोध्या के चार वासी। पहला अयोध्या का वासी कौन? जो श्रीधाम अयोध्या जी में जिसका जन्म हुआ और वो वहीं रह रहा है, वो अयोध्या का वासी। दूसरा, जिसका जन्म हुआ कहीं और रहता है अयोध्या में, वो अयोध्या का वासी। तीसरा, जो है कहीं और का, जन्म अयोध्या में नहीं हुआ लेकिन साल भर में एक दो बार आता जाता रहता, वो अयोध्या का वासी। और चौथा, जो कभी आता जाता भी नहीं, जिसका जन्म भी नहीं हुआ, कहीं और जन्म हुआ लेकिन मन में चलता रहता है कि रघुनाथ जी कभी कृपा कर देते तो हम भी दर्शन कर आते, वो भी अयोध्या का वासी। इस प्रकार से सब अयोध्या के वासी हो गए। भगवान से निवेदन करिए कि सरकार जीवन में कभी ना कभी एक बार अपने दर्शन का अवसर अवश्य प्रदान करें, क्योंकि बिना भगवान के बुलाए कोई जा भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे कारण बीच में आ जाएंगे कि आप जाते जाते रुक जाते हैं, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप नहीं पहुंच सकते। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सब निगम आगम वेद पुराण शास्त्र सब मेरे बैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोई। अयोध्या के समान मुझे बैकुंठ भी नहीं प्यारा, मुझे इतना अयोध्या से प्रेम है कि ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, चले अपने नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, भरे जहां
गरिया संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया आवत बिहारी कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया कनक भवन मेरे राम भवन, कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन रघुवर राजे देख भई मैं बावरिया, देख भई मैं तो बावरिया अवध चले अपने नागरिया, ले चले अपने नागरिया अब तो बिहारी राघव जी से निवेदन करिए जीवन में एक बार अयोध्या जी अवश्य जाएं, जाकर के कनक बिहारी सरकार का दर्शन अवश्य करें।